सूचना वो जारी होगी। कांग्रेस और भाजपा ने इस पर पूरा जोर लगाया है। और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे अधिसूचना जारी होगी। कांग्रेस और भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए। अब यह देखना होगा क्योंकि जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव उसके बाद त्रिस्तरीय चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें दोनों में ही कांग्रेस का बोलबाला रहा है। जैसे बात किया जाए अब जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, और हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हेमंत शर्मा रायपुर से। हेमंत, जिस तरीके से देखा जाए लगातार चुनाव छत्तीसगढ़ में तो चल ही रहे हैं, अब नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय चुनाव हुए उसमें भी देखा जाए तो बीजेपी पिछड़ती नजर आई, चाहे वो निकाय चुनाव ले लीजिए चाहे त्रिस्तरीय चुनाव ले लीजिए। ऐसे में उस समय भी देखें तब भी वहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए उसमें भी वोटिंग में ज्यादातर कांग्रेस ने ही हाथ मारा। अब ऐसे में जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जिला पंचायत के जिस तरीके से इसमें जोर आजमाइश से शुरू होने वाली है, किसका पलड़ा भारी नजर आ सकता है, क्या समीकरण बैठ सकते हैं? हाँ देखिए, सबसे पहले नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम का चुनाव सबसे पहले हुआ और 10 प्रदेश में 10 नगर निगम हैं। एक तरीके से इन निगमों में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, इसके अलावा नगर पंचायत और नगर पालिका में भी अपना कब्जा वहां पर जमाया था। उसके बाद पंचायत चुनाव हुआ और अपने यहाँ पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो उम्मीदवार उतारे गए थे, समर्थित उम्मीदवार, वो बहुत बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। और कल जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, 133 जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं, उसमें से 101 जो संख्या है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने 101 जनपद अध्यक्षों पर, जनपद पंचायतों पर अपना कब्जा जमाया है। और उसके बाद आज सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव है। सुबह 11 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। रायपुर सबसे अहम, रायपुर जिला पंचायत को माना जा रहा है क्योंकि संख्या बीजेपी के यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ये दावा कर रही है कि रायपुर में वो अपना अध्यक्ष बना लेगी। इसके अलावा करीब 27 जिला पंचायत हैं और उसमें 20 जिला पंचायतों में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। हालांकि कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि किसके पक्ष में जो नतीजा है वो जाता है। पूरी प्रक्रिया 11 बजे शुरू होगी, उसके बाद वहां पर नामांकन जमा होगा। नामांकन जमा करने होने के बाद लगभग 1 से 1.5 बजे तक मतदान होगा और जैसे ही मतदान खत्म होगा उसके बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी। पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष का और उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। दीपक, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रदेश में अग्रिम